लोग भी चाहते हो फेसबुक पे एड्स चलाना और आप लोगों को नहीं पता है किस तरीके से फेसबुक पे एड्स चलाया जाता है, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे दोनों पे एड्स चला सकते हो। सो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरजीत और स्वागत है आपके हमारे इस डिजिटल सुरजीत चैनल पे। तो सबसे पहले आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोग फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट क्यों करते हैं, मतलब क्या बेनिफिट्स है इसका, क्या इससे पैसे मिलते हैं, क्या इससे धंधा आता है या फिर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, फेसबुक पे एड अकाउंट क्रिएट करने का मतलब है कि फेसबुक पे एड्स चलाना जैसे बाकी काफ़ी सारी एजेंसियाँ कर रही होती है, वैसे ही आप लोग भी अपने प्रोडक्ट या बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, लोगों को दिखा सकते हो अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, फिर जो भी इंटरेस्टेड होगा वो आपको वहाँ पे इंक्वायरी कर देगा या आपसे कॉन्टैक्ट करने का ट्राई करेगा। काफ़ी सारे लोग ये भी सोचते हैं कि फेसबुक पर एड अकाउंट क्रिएट करने से पैसे मिलते हैं, तो भाई फेसबुक पर एड अकाउंट क्रिएट करने से पैसे नहीं मिलते, बल्कि पैसे लगा के हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस को देखते हैं, अगर उनको सर्विस चाहिए होती है तो वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं, फिर हम उन्हें अपनी सर्विस देते हैं और सर्विस के बेस पर हम उनसे कुछ चार्ज कर सकते हैं। सो आप पैसे कमा सकते हो, बट इस तरीके से, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फेसबुक आपको पैसे दे देगा। सो फेसबुक पर एड अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना फेसबुक अकाउंट पीसी या सिस्टम में ओपन कर लेना है। दूसरी चीज़, क्या हमें फेसबुक के अंदर जो पेज बूस्ट का एक ऑप्शन आता है, जो हमारा पोस्ट आता है इंस्टाग्राम को जो बूस्ट करने का ऑप्शन आता है, वो क्या वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं करना चाहिए, उसके क्या रीजंस है और क्यों नहीं करना चाहिए, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हो और समझ सकते हो कि क्यों आपको फेसबुक ऐड को बूस्ट नहीं करना चाहिए और डायरेक्टली कौन सा ऐसा मेथड्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हो ऐड्स चलाने के लिए फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, अगर आपको बूस्ट नहीं करना है तो। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम वही मेथड जानेंगे कि कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हो फेसबुक पे ऐड्स चलाने के लिए और कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो वो अब हम देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, फेसबुक पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर लेना है अपने पीसी या सिस्टम में। जब आप इसको लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे आपके सामने एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिलेगा, अगर नहीं मिलता है तो सी मोर पे क्लिक कर देना। सी मोर पे क्लिक करोगे तो आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे क्लिक करोगे तो भी आपको एड्स मैनेजर का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एड्स मैनेजर पे जाने के लिए आपके पास आपका एक बिजनेस पेज होना चाहिए। बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसे जाके आप चेकआउट कर सकते हो, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा। सो एड्स मैनेजर पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट बन जाता है और यहाँ पे आपका ये पेज ओपन हो जाता है। इस तरीके से कुछ आपके सामने पेज आएगा। अभी अगर मैंने तो ऑलरेडी एड चला रखा है तो आपके सामने मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए, बट आपके सामने कुछ पॉपअप्स वगैरह आएंगे तो उसे आप एलिजिबल कर लेना, मतलब अप्लाई कर लेना, टर्म एंड कंडीशन होगी उसे फॉलो कर लेना। देन उसके बाद यहाँ पे क्रिएट का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर क्रिएट करके आप एड्स बना सकते हो। अब यहाँ से आपके सामने एक वीडियो प्ले होगी जिसे आप इस क्रिएट के बटन पे क्लिक करने के बाद फॉलो कर सकते हो और सेम प्रोसेस आप अप्लाई कर सकते हो एड्स चलाने के लिए। आपने जाना यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये सारे फीचर्स आप तभी समझोगे जब आप धीरे धीरे ऐड चलाओगे। मैं अभी आपको समझाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे। ऐड रिकॉर्डिंग, ऑडियंस बिलिंग, पेमेंट, ऐड सेटिंग, ऑडियंस, इन सबको आपको कुछ नहीं देखना है क्योंकि ये सब चीजें आपके काम की अभी नहीं है जब तक आप पुराने ना हो, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें के बारे में पता चलता रहेगा। तो यहाँ पे क्रिएट करा। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था कि फेसबुक का एड ऑब्जेक्टिव काफी बढ़िया है, तो ये वही फीचर्स है फेसबुक के अंदर आपको बोल रहा है कि सेलेक्ट अपना ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे हमारे सामने अवेयरनेस का ऑप्शन है, ट्रैफिक का है, एंगेजमेंट का है, लीड्स का है, ऐप प्रमोशन का है, सेल्स का है, और इन सब के अंदर आपको यहाँ पे फीचर्स दिख रहे होंगे कि किसके अंदर क्या क्या ऑप्शन आपको चूज करना है। तो मैं आपको बताऊंगा लीड्स वाला, क्योंकि आपके पास अब कोई वेबसाइट नहीं है और कोई आपके पास लैंडिंग पेज नहीं है जिसका आप यूज करो मार्केटिंग करने के लिए। तो मैं आपको लीड्स वाला ऑप्शन बताऊंगा जिसके अंदर आप लोग बिना वेबसाइट के, बिना किसी चीज के आप लोग एड्स चला सकते हो। तो हमने लीड का ऑप्शन लिया। अब लीड्स के अंदर भी ये सारे ऑप्शंस है और इसके अंदर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो भी हमको सारे ऑप्शन दिख जाएंगे कि लीड्स के अंदर क्या क्या ऑप्शन है। अब जब आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने तो अभी ये ऑप्शन आ रहा है कि आपका कुछ दिनों बाद आपके सामने कुछ भी ऑप्शन ना आए, क्योंकि फेसबुक हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता है और वो अपडेट सबके सामने आने में काफी टाइम लग जाता है, और जब सबके साथ हो जाता है तो फिर वो जो अपडेट था वो सबके लिए काम करता है सेम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेसबुक का एक ये फीचर है मैनुअल लीड कैंपेन का, एक टेलर लीड कैंपेन का। तो यहाँ पे इसको आप पढ़ सकते हो। मैंने आज तक इसका यूज नहीं किया, एक बार यूज किया था मेरे को लीड अच्छी नहीं मिली थी, तो मैंने फिर इसी का यूज किया मैनुअल एड कैंपेन का। इसके अंदर हमारे पास सारे कंट्रोल्स रहते हैं एड्स चलाने के, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये मेरे सामने इस तरीके से एक डैशबोर्ड ओपन हो गया और यहाँ पे देखो नाम आ गया हमारा जो हमने कैंपेन बनाया, अभी एक ही था, अब एक और हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने कैंपेन का नाम सेट कर सकते हो। तो मैं आज की डेट डाल देता हूँ, आप कुछ भी डाल सकते हो जिससे कि आपको पता रहे कि अगर आप मल्टीपल कैंपेन बना रहे हो तो आपको पता रहे कि कौन सी चीज़ आपने कब यूज करी थी। तो मैंने ये जो अकाउंट बनाया मैंने किस चीज़ के लिए बनाया था वो आपको पता है, मतलब मेरे फेसबुक अकाउंट है, मेरे को किस लिए बनाना है, क्यों करना है, वो मेरे को पता है कि ये मेरा एड्स मैनेजर अकाउंट है। हमारे पास जो मल्टीपल एड अकाउंट होते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा ये अकाउंट किस पर्पज़
के लिए हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास पूरी एक्सेल शीट होती है। जब हम 20-25 क्लाइंट्स की ऐड मैनेज करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल ऐड अकाउंट होते हैं, उसके अंदर हमने सारा डेटा मेंशन किया होता है कि हमारे पास ये फेसबुक अकाउंट है और इसके अंदर हम लोग कौन सा ऐड्स यूज कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि आज आप एक दो ऐड चला रहे हो लेकिन फ्यूचर में जाकर क्या पता 50-100 ऐड्स चलाने लग जाओ तो आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो वो आप पहले से ही लेके चलोगे। जो मैं गलती करता था, मतलब मैं 3-4 साल पहले गलती करता था, मैं डायरेक्टली ऐड चला देता, फिर मेरे पास एक साल बाद कुछ चेक करना होता था तो फिर मैं कंफ्यूज हो जाता था। तो मैंने सारी चीज़ें कहाँ सीखी, जब मैं जॉब करता था वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें सीखी कि अपने काम को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मनी आप कमा लेते हो लेकिन खर्चा करते रहोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यार पैसा कट गया, ठीक है। तो वैसे ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने कैंपेन का नाम दे दिया 20 दिसंबर और हम लोग ऐड बनाने वाले हैं डीएम एजेंसी के लिए लीड्स वाली एड्स, ठीक है। डीएम एजेंसी के लिए लीड्स वाली एड, यहाँ पे डीएम भी लिख सकता हूँ या फिर डीएम भी लिख सकता हूँ कुछ भी, जिससे कि मेरे को पता रहे। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। आप थोड़ा सा नीचे क्रॉल करेंगे तो स्पेशल ऐड कैटेगरी हमारी नहीं है भाई, स्पेशल ऐड कैटेगरी मतलब जो भी चीज़ आपके सामने दिख रही है उनको आप क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। तो इसके अंदर हमारा कोई इससे रिलेटेड एड्स है नहीं भाई, हम ना क्रेडिट की चला रहे हैं, ना एम्प्लॉयमेंट की चला रहे हैं, ना हाउसिंग की चला रहे हैं, ना कोई सोशल इशू चला रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं चला रहे। बिडिंग की स्ट्रेटजी वही है जो अभी हमने कैंपेन सेलेक्ट किया था, वही ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑप्शन रिवर्सन। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये दो हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, कैंपेन डिटेल्स। तो कैंपेन डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे अगर हम बाइंड टाइप पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन का एंड रिजर्वेशन का। तो हमारे को रिजर्वेशन चूज नहीं करना क्योंकि इसके अंदर फिर जो हमारी एड चलाने की लिमिट है वो कम हो जाती है। मतलब कि अगर आपके सामने भी लीड्स वाली एड चला रहे हो या कोई मल्टीपल जैसे उसने ऑप्शन देखा था कॉल वाली एड्स, लीड्स वाली एड, व्हाट्सअप वाली एड्स एंड सेल्स वाली ऐप प्रमोशन, वो सारे ऑप्शन आपको सिर्फ दिख रहे थे, वो तभी आपको दिखते हैं जब आप कोई ऑप्शन वाली एड्स को सिलेक्ट करते हो। अगर वह रिजर्वेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो कम हो जाएंगे। आप इसके ऊपर क्लिक करके और इसके बाद आपको जो चेंजेस देखेगा वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव थे वो अभी हमने देख लिए थे, अभी हम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखना कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है वो आपके कम हो जाएंगे। सो अभी हमने रिजर्वेशन पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो हमारे ऑब्जेक्टिव भी कम हो गए और हमारे सामने जो नीचे फीचर्स आते हैं वो भी हट गया, यहाँ पे जो ऑप्शन आते हैं वो भी सब हट गए। तो वो ना करके हम लोग ऑप्शन यूज करेंगे तो यहाँ पे देखना ये फीचर्स भी ऐड हो जाएगा और नीचे कैंपेन जो अभी ये क्रॉल नहीं हो रहा था नीचे तक, तो अब ये नीचे भी आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। तो हमने इसके अंदर लीड्स का ऑप्शन लिया और अभी यहाँ पे एबी टेस्टिंग अगर आपको करनी है, मल्टीपल टैग्स ऑडियंस चेक करना है, तो वो आप यहाँ से मतलब क्लिक करके आप उसको अलग अलग कैंपेन बना सकते हो, फेसबुक को एंट्री दे सकते हो कि भाई मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ, अदरवाइज आप उसको मैनुअली भी टेस्ट कर सकते हो। फिर एडवांटेज कैंपेन बजट का ऑप्शन है। तो मैंने जैसे अभी आपको हायरार्की के अंदर बताया था फेसबुक के कि भाई ये कैंपेन लेवल होता है, ये एड सेट लेवल होता है और आपको इस तरीके से कैंपेन के बजट को मैनेज करना है, तो ये ऑप्शन यहीं पे आपको मिलता है कि भाई कैंपेन के ऊपर भी आप बजट सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो 800 रुपये बजट सेट कर सकते हो या कुछ भी जो भी आपका फीचर हो, जो भी 300-500 जो भी आपको सेट करना है वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। मैं इस फीचर को तभी इनेबल करता हूँ जब मेरा क्लाइंट बोलता है कि मुझे 10 बजे से 6 बजे के बीच में ऐड चलाना है, क्योंकि वो ऑप्शन मेरे पास तभी आता है जब मैं यहाँ पे डेली बजट पे क्लिक करके लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करूंगा, पर्टिकुलर बजट सेट करूंगा उसके लिए 10-15 हज़ार रुपये एंड उसके बाद मेरे को सेकेंड ऑप्शन पे जाके शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं इसको ना क्लिक करके मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ क्योंकि मेरे को जो कैंपेन का बजट चलाना है वो इसके अंदर चलाना है, क्योंकि इसके अंदर मैं सिर्फ एक एड कॉपी बनाऊंगा या फिर 2 एड कॉपी बना सकता हूँ, ओके, इससे ज़्यादा नहीं बनाऊंगा क्योंकि फिर उससे ज़्यादा क्या फायदा कि मेरे एक ही कैंपेन एक ही एड कॉपी को ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा दूसरों का नहीं मिलेगा, ऐसा कैसे मैटर कर सकते हो। तो सब मैं सबके लिए अलग अलग बनाता हूँ, मतलब अगर मेरे पास 2 बैनर है या फिर 2 ऑडियंस टारगेट करनी है तो मैं एक कैंपेन को ना बना के मैं दूसरा कैंपेन उसके लिए अलग से बनाता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मैं एज अ एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैं एक के अंदर टेस्टिंग करूंगा तो दोनों का पैसा इक्वल नहीं जाता है, तो मैं उसके लिए सेपरेट बना देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। मैंने यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे लीड्स वाले को मतलब जो पहला ये ऑप्शन होता है इसके अंदर हमने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं करे, आपने देखा होगा कि कोई चेंजेस नहीं करे। अब यहाँ पे हम किसके लिए एड्स बना रहे हैं, तो भाई ये एड्स मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए बना रहा हूँ और मैं सिटी को टारगेट करूंगा, इंडिया सिटी टारगेट करूंगा पूरी, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, वेबसाइट के थ्रू लीड्स चाहिए? नहीं, मुझे तो भाई मेरे पास वेबसाइट तो है ही नहीं, मैं नॉर्मल इंस्टेट फॉर्म सॉरी ऐड्स बनाऊंगा जिसके अंदर फेसबुक के ऊपर ही ऑप्शन मिल जाता है कि इसके ऊपर क्लिक करो, अपने डिटेल्स सबमिट करो और आपके सामने आपके लीड्स आ जाते हैं। उसके अंदर आपको लैंडिंग पेज या किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, सो ये बेस्ट ऑप्शन है। फेसबुक पेज के अंदर हमारे जितने भी पेज है वो दिख जाएंगे, तो हमारे पास 2 पेज है, तो अगर आपको दोनों पेज का नाम जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे ऑप्शन एक्सपर्ट एंड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो 2 पेज में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, हम डीएम एजेंसी का यूज कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा फ्रेश पेज। अब यहाँ पे हमने ये टर्म एंड कंडीशन को वेरीफाई कर रखा है, अगर आप लोगों ने नहीं कर रहे थे तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर लेना, अदरवाइज आपके सामने यहाँ पे रेड कलर का ऐड आएगा, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। और जो जो चीजें हम बता रहे हैं कॉस्ट पर रिजर्व कॉल या आपके सामने ऑप्शनल है, तो जो चीज़ ऑप्शनल उसको आप छोड़ के चलें, जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ों को सेट करें।
अब जैसा कि हमने कैंपेन लेवल पे बजट का ऑप्शन देखा, तो अभी हमारे सामने यहाँ पे भी बजट का ऑप्शन है, तो हम यहाँ पे भी बजट को अपने सेट कर सकते हैं। हमने 500 रुपये रख दिया। अब 500 रुपये के हिसाब से हमारी एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज इतनी हो गई, रीच हमारी इतनी मिलेगी, लीड्स हमें इतनी मिलेगी, तो ये सिर्फ अभी हमारे बजट के लेवल के हिसाब से है। अभी हमारे सामने और भी ऑप्शन है जिन्हें हमें सेटअप करना है, जैसे कि हमारे पास लैंग्वेज, डिवाइस, इंटरेस्ट, एज, वो सब ऑप्शंस भी हमें अभी बाकी हैं जिन्हें सेटअप करेंगे। तो उसके बेस पे फिर ये लीड्स जो जो ये आपके सामने रिजल्ट्स दिखा रहा है, ऑडियंस डेफिनेशन, एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट्स, वो सब और कम हो जाएंगे जब हम उन चीज़ों को और नैरो जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ये देख लो डेट कब से कब तक चलानी, तो इसे मत सेट करना। जब आपका जब तक फंड है तब तक आप चलाओ, जब आपको फंड नहीं है तो बस फंड खत्म हो गया तो है अपने आप स्टॉप हो जाएगी। तो इसको आप सेट मत करना कि अब तो आपका कैंपेन बढ़िया चले और उसके बाद अगर आपने डेट सेट कर दी तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते बाद में, ठीक है? तो ये आप सेट मत करना। तो मेरी एड्स जब भी रिमूव आएगी ये तभी से इनेबल हो जाएगी। अगर आपको डेट वेट की सेलेक्शन करना है कि आपको 21 तारीख से चलाना है, 23 से चलाना है, तो वो आपके सामने ऑप्शन होते हैं, ठीक है? तो इसको आप छोड़ दीजिए। ये अभी नया फीचर आया है, यू कैन नॉट शेड्यूल बजट इंक्रीजिंग एडवांस एंड एक्सेट्रा। मतलब अगर आप चाहते हो कि अभी 500 रुपये बजट रखो, कुछ दिनों बाद आप चाहते हो कि 10% बढ़ जाए या 20% बढ़ जाए, तो वो फेसबुक के अंदर फीचर है कि वो ऑटोमेटिक बजट को अगर आप पेज को हिंट दे देते हो तो वो इस तरीके से काम करता है। तो आपको जरूरी नहीं है कि डेली बेसिस पे जाके अपने बजट को सेट करना, यहाँ पे ऑटोमेटिक फीचर भी चलता है। अब हमने जैसे बात करी ऊपर, हमने सेट किया कि इंडिया की सिटी के अंदर हम लोग ऐड चलाएंगे, तो हमने लोकेशन क्या रखी है, अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने इंडिया को सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे हमारे पास आता है ओनली इंक्लूड सिटीज, तो इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे ऑडियंस इंक्लूड सिटीज के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब जहाँ की ऑडियंस की साइज 1 लाख से ज्यादा है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो मिनिमम एंड मैक्सिमम आपके सामने ऑप्शन होते हैं। और कौन कौन सी सिटीज इसके अंदर आ रही है, तो यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करके आप वो सारी चीजों को चेकआउट कर सकते हो। अगर आप इसको कम करेंगे 1 मिलियन करेंगे तो यहाँ पे देखो जो लिमिट थी वो आपकी कम हो गई, अब 63 सिर्फ सिटी रह गई, 63 और बाकी ये 64, 5, 6, 7, 8, तो टोटल 68 सिटीज आ गई, ठीक है? तो इस तरीके से आपके सामने ये फीचर्स आपको मिलते हैं। बल्क ऑप्शन भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। सो मॉल पे जाओगे तो आपको मिनिमम एज वगैरह का भी ऑप्शन है, वो भी आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। एंड यहाँ पे आपके सामने आ रहा है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, तो इसने आपने क्या करना है, स्विच टू ओरिजिनल करना है। इसके अंदर आपको डिटेल में थोड़ी सी टारगेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है जो आप यूज कर सकते हो। तो एडवांस प्लस सजेशन के ऊपर ऑप्शन बोल रहा है जैसे आप इग्नोर कर सकते हो, बाकी मैं इसको बोलूंगा कि आप स्विच टू ओरिजिनल जाओ ताकि आपको चीजें करने को ऑप्शन मिले। यहाँ पे भी देखो आपके सामने ऑप्शन है कि आप इंटरेस्ट वगैरह क्या चाहते हो या फिर किसी को निकालना चाहते हो, कस्टम ऑडियंस अगर आपकी है तो उसको आप सेट कर सकते हो। तो मैं अभी क्या बोलूंगा कि आप इसको क्लिक करोगे ना जब, तो ये चीजें ऑटोमेटिक थोड़ी सी चेंज होगी। जस्ट एक बार मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। Use original audience, ठीक है? तो अभी देखा आपने कि बजट के बाद मेरे पास पहले यहाँ पे लोकेशन का एक ऑप्शन था और उसके अंदर एज का सही फीचर था और यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन दिखा रहा था एडवांटेज का, ठीक है? तो वो मैंने ओरिजिनल जैसे किया तो अब ये लोकेशन भी इसी के अंदर आ गया एंड एज भी इसी के अंदर आ गया, जेंडर भी इसी के अंदर आ गया और वो जो फीचर था वो अब यहाँ पे स्विच हो गया एंड जो वो एडवांटेज का फीचर था वो अब मेरे को जो है फीचर में दिखाने लग गया कि भाई आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो मैं इसको ना यूज करके मैं जो फेसबुक का पुराना फीचर था उसको यूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर डिटेल टारगेटिंग का भी ऑप्शन था जो कि हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एज का ऑप्शन है, कोई भी एज यहाँ पे चेंज कर सकते हो, जेंडर आपके सामने है, लैंग्वेज आपके सामने है, डिटेल टारगेटिंग के अंदर क्या करना है। अब जैसे मेरे को डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए ऐड चलाना है तो मेरी ऑडियंस कौन सी होती है, तो मेरी ऑडियंस वही हो सकती है जो स्मॉल बिजनेस ऑनर्स होंगे, तो स्मॉल बिजनेस जॉब टाइटल एम्प्लॉई और बिहेवियर, स्मॉल बिजनेस फील्ड्स जो इस फील्ड के अंदर है या स्टडी कर रहे हैं स्कूल या यूनिवर्सिटी, तो इसके अंदर से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। स्मॉल बिजनेस ऑनर ONER बिहेवियर, अब जो इसके जैसे बिहेवियर करते हैं उनको हमारी एड्स दिखेगी। अब सजेशन के अंदर भी जाके आप और भी चीज़ें आप चेकआउट कर सकते हो कि उनका डिटेल टारगेटिंग, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट करना, ऑनर को टारगेट करना, तो उन सब फीचर्स को भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने अभी सिर्फ एक ही डाला है, बाकी आप और भी यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट करना है इसको कर सकता हूँ। एंड ब्राउज के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो आप उनके बिहेवियर क्या है, बिहेवियर मतलब कि क्या एक्टिविटी वो लोग करते हैं, मोबाइल एक्सपीरियंस, मोबाइल डिवाइस, iOS, वो सब चीज़ों को आप यहाँ से मैटर कर सकते हो। एंड डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन पर्पज क्या होना चाहिए उनका, किस फील्ड के अंदर स्टडी होनी चाहिए, फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लाइफ इवेंट्स कैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ों को आप जब चीज़ों को चेकआउट करोगे ना तो आपके सामने काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आएगी जो कि आपको कहोगे यार ये फीचर तो पहले तुम्हें पता ही नहीं था फेसबुक के ऊपर। तो अगर एक इसका बेनिफिट्स भी है, इसका नेगेटिव पॉइंट भी है। बेनिफिट्स ये है कि आप ज़्यादा नैरो हो सकते हो एंड नेगेटिव पॉइंट ये है कि इससे आपकी लीड की कॉस्टिंग ज़्यादा आ सकती है, ठीक है? तो आप इसको ज़्यादा ना करके नॉर्मल चीज़ों को सेट करें, जैसे थोड़ी बहुत चेंजेस ही करें। मैंने जैसे काफ़ी ज़्यादा नैरो कर दिया, तो यहाँ पर लीड्स की मेरे को पहले दिखा था 8 समथिंग को दिखाता है और अभी 7 हो गया, ठीक है? अगर मैं और नैरो करूँगा तो वो और कम होती चली जाएगी, रीच भी कम होती चली जाएगी, यहाँ से आप देखोगे तो ये भी कम होती चली गई। तो अगर
मतलब इस सब चीज़ों को चेंज ना करके अगर हम कुछ लिमिटेड चीज़ों को ही रखें तो हमारे पास लीड की कॉस्टिंग जो है वो हमारी कम रहेगी और लीड्स हम पर ज़्यादा आएगी। तो अभी आप लोगों ने ये ऑडियंस इंटरेस्ट को सेटिंग कर चेंज कर लिया, आप हम लोग चलते हैं अपने प्लेसमेंट वाले फीचर्स के अंदर। और ये इंपॉर्टेंट फीचर है, यहीं से आप लोग जो है अपने ऑडियंस नेटवर्क को सेलेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है तो वो कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे ऐड नहीं चलाना तो वो सब यहाँ से ऑफलाइन चालू कर सकते हो, मतलब बंद चालू कर सकते हो। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप स्विच टू मैनुअल प्लेसमेंट ऑप्शन, नॉट रिकमेंडेड बोल रहा है, बट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपके सामने इस तरीके से कुछ फीचर्स आते हैं, ठीक है। तो आपने अगर मैसेंजर पे तो आपको डिसेबल हो गया, पहले मैसेंजर का भी ऑप्शन होता था। ऑडियंस नेटवर्क पे अगर आपको ऐड चलाना है तो वो आप यहाँ से रख सकते हो, अदरवाइज आप हटा दो। इससे लीड्स थोड़ी सी ज़्यादा जाती है बट लेकिन क्वालिटी मेरे ख्याल से कम रहती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो उस प्लेटफॉर्म का क्यों यूज़ कर रहे हैं वो उनको पता है बट हमें नहीं पता, और हमारी एड्स वहाँ पर जाएगी और वो फिर हमारी ऐड पर जानबूझ के क्लिक करेंगे या फिर उसको हटा देंगे, तो हम नहीं चाहते वहाँ तक जाएं। मैं तो इसको हमेशा ऑफ करके चलता हूँ, इससे मेरी लीड्स थोड़ी सी सही आती है, बेकार लीड्स नहीं आती। अगर मैं इसको ऑन रखता हूँ तो थोड़ी सी हमारे पास बेकार लीड्स भी आती है, तो कहते हैं हमने नहीं किया। और जब उनका बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा होता है और वो जल्दी से क्लिक कर देता है, वो यस यस करते चला जाता है तो हमारे पास लीड्स आ जाती है। फिर बाद में हम सुबह उनको कॉल करते तो कहते हैं नहीं हमने तो नहीं किया, तो इस तरह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन और मिसहैपनिंग हो जाती है। तो आपने इसको बंद रखना है, और जब आपके सामने कुछ इस तरीके से आता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई ये सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया आपका फ़ोन कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे कि आपके घर में कोई फैमिली हो, फैमिली में हो, आपका बच्चा हो गया, कोई भी हो गया, कोई भी चैनल में यूज़ कर सकता है, या आपकी वाइफ हो गई या आपके मदर हो गए, फादर हो गए, कोई भी यूज़ कर सकता है आपका फ़ोन, है ना। तो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपके सामने कुछ इस तरीके की लीड्स भी आ सकती है तो आपको उसको इग्नोर करना है, और अगर आपको उसने इंटरेस्ट किया हुआ तो वो आपको पता चल जाएगा। अदरवाइज अगर वो इस तरीके से कोई बोलता है कि हमने इंक्वायरी नहीं करी, तो जाहिर सी बात है वो गलती से आपकी एड्स हम लोगों तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया का मतलब ये होता है वो सर्च करके थोड़ी आ रहे हैं, उन्हें तो हमारी एड दिखानी पड़ती है तब तक वो इंक्वायरी आती है ना। तो हमारा तो काम ही यही है कि अगर उस तरीके से इंक्वायरी आ रही है तो उसे हमें इग्नोर करना है और अच्छी लीड्स को फॉलो करना है। क्या मतलब अच्छी लीड्स इतनी आई है और जो हमारे बेकार लीड्स है वो हमारी इतनी है, तो हमें बेकार लीड्स को काउंट करके अच्छी लीड्स को काउंट करना है, और उसके हिसाब से हमारा कितना पैसा जो हमने कैंपेन के अंदर यूज़ किया उसको फिर जो आपका डिवाइड करना है कि हमने इतना पैसा यूज किया था, इतना पैसा खर्चा हुआ, इतनी लीड्स आई, एक लीड की कॉस्टिंग हमारी इतनी पड़ रही है। तो यहाँ से हमने फेसबुक ऑडियंस को हटा दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, फेसबुक और इंस्टाग्राम। तो हमने सिर्फ फेसबुक पर ही ऐड चलाना है तो हम लोग इंस्टाग्राम को बंद कर सकते हैं, अगर हमें दोनों पे ऐड चलाना है तो दोनों को इनेबल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना है, तो अगर आपको पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के बारे में सीखना है तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने काफी सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। अदरवाइज आप ये सेम मेथड को यूज कर सकते हो और फेसबुक को इग्नोर करके इंस्टाग्राम को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो चीज़ें सेम है बट लेकिन बताना पड़ेगा, ताकि क्योंकि लोग सर्च करते हैं इंस्टाग्राम के बारे में जानने के लिए तो मुझे बताना तो पड़ेगा, तो उनके ऊपर वीडियो सेपरेट बनानी पड़ती है, ताकि थोड़ा सा हमें भी गेन मिले कि हमारे वीडियोस को लोग देख रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ऐसे और अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बनाते रहे आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो पैसा आप किसी एजेंसी को देते हो या किसी को देते हो कोर्स करने के लिए या किसी से काम करवाने के लिए, वो आप ना देखे, आप खुद ही अपने लिए काम। तो यहाँ से हम लोग इंस्टाग्राम को ऑफ कर देते हैं क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं फेसबुक पर ऐड चलाना। अब फेसबुक पे हमने क्लिक कर दिया तो इसको आप डिसेबल नहीं करते, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म तो आपके सामने होना चाहिए ऐड चलाने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है, फिर उसे रिमूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके सामने फीड्स का ऑप्शन है। अब आपकी एड्स यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दिखता है किस तरीके से आपकी एड्स दिखेगी, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो जिसको चीज़ को आप नई चीज़ जैसे सर्च रिजल्ट भी हमें नई चाहिए होता है, जिससे कि हमारे लीड्स अच्छी आ जाए। मतलब ज़्यादातर लोग कहाँ पे एड्स देखते हैं, तो वो देखते हैं आपकी एड्स को फीड्स में या फिर वीडियोज़ में या स्टोरी वगैरह में, तो आप वहीं पे ऐड चलाओ, है ना। इंस्टाग्राम में रील्स में फेसबुक पे आप इंस्ट्रीम एड्स पे चला सकते हो या फिर आप फीड्स में डाल सकते हो स्टोरी एंड रील्स में। तो यहाँ पे स्टोरी एंड रील्स का ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे सामने इंस्टाग्राम था तो यहाँ पे हमारे पास स्टोरी एंड रील्स का ऑप्शन आ रहा है। बट यहाँ पे अब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे इंस्टाग्राम यहाँ से हट चुका है, ठीक है। तो हमारे सामने सिर्फ फेसबुक स्टोरी एंड फेसबुक रील्स का ही ऑप्शन है। अब इसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो सिर्फ फेसबुक फीड का ही ऑप्शन है, इंस्टाग्राम जो है वो हाइड हो चुका है, इंस्टाग्राम हाइड हो चुका है, ओके। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से मैनेज कर सकते हो, चीज़ों को देखोगे समझोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पे हमारी ऑडियंस और कम हो गई, लीड्स भी हमारे पास जो अभी 721 दिखा रहा था अभी 720 ही दिखा रहा है, और रीच भी हमारे पास थोड़े से कम ज़्यादा हो रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हमारा जो है थर्ड ऑप्शन है। अब यहाँ पे हमें सेट करना होता है कि हमने जो भी अभी तक सेटअप किया है इंडिया सिटी को, जो भी हमारा बजट है उसको हमने सेट किया है, बट लेकिन हम जो ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उनको हमें क्या दिखाना है, क्या है, वीडियो दिखानी है, पोस्टर दिखाना है, और कौन सी चीज़ें दिखानी है, तो वो आप बना के फेसबुक के अंदर अपलोड कर सकते हो और उसको आप लोग यूज़ कर सकते हो कैंपेन में आते समय। तो जैसे कि अभी हम यहाँ तक आ गए,
आपने अभी इंस्टाग्राम को ऑफ कर रखा है, तो यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पर भी चलाना है तो पीछे प्लेसमेंट को ऑन करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप इंस्टाग्राम को ऐड नहीं करते तो भी आपका फेसबुक जो है आपके इंस्टाग्राम पे ऐड जाते हैं, बट लेकिन वहाँ पे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं रहेगा, वहाँ पे आपका फेसबुक प्रोफाइल का नाम रहेगा लाइक दिस, जिस तरीके से आ रहा है यही आपके इंस्टाग्राम पे यूज होगा। ठीक है, तो चीजें समझ लो। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे आ रहा है सिंगल इमेज और वीडियो एंड ब्राउजर का ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन आपके सामने है एड्स के ऊपर आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को। तो ब्राउजर के अंदर आपको पता है ब्राउजर एक दो तीन करके जो ब्राउजर होती है वो होती है, एंड सिंगल इमेज एक इमेज को भी चला सकते हो या एक वीडियो का प्रमोट आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो भी चीज ऐड करनी है वो क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे ऐड इमेज करना है, यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, जो भी आपके फाइल में चीज होगी उसे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपके फेसबुक पेज पे चीजें हैं बिजनेस इमेज के अंदर चीजें हैं तो वो आप लोग यूज कर सकते हो। तो बेटर ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा फीचर है। तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक इमेज है जिसे हम यूज करेंगे कैंपेन चलाने के लिए। तो अभी हम डन पे क्लिक करते हैं इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे ये डन करके ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे आप लोग प्राइमरी टेस्ट डाल सकते हो, चैट जीपीटी से आप लोग प्राइमरी टेस्ट लिखवा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पे कुछ भी अच्छे अच्छे फीचर्स डाल सकते हो, या फिर आप फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर को चेक कर सकते हो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी का यूज करके कि वो लोग कैसे ऐड चला रहे हैं, वहां से आप लोग कुछ आइडिया ले सकते हो कैप्शन का, या फिर क्या वीडियो चीजें वो प्रमोट कर रहे हैं, लाइक फेसबुक पे क्या प्रमोट कर रहे हैं, वीडियो प्रमोट कर रहे हैं, इमेज प्रमोट कर रहे हैं, ब्राउजर प्रमोट कर रहे हैं, तो वो वहां से आप एग्जाम्पल देख सकते हो और उस तरीके से आप अपने लिए चीजें बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं कुछ भी डाल दिया, बट आपको यहाँ पे अच्छी चीजें डालनी है क्योंकि लोग पढ़ते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं ना वो चीजों को पढ़ते हैं कि आप क्या क्या दे रहे हो, क्या क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो मैंने इमेज के ऊपर कंटेंट डाला है वो चाहता तो मैं यहाँ पे भी डाल सकता था, तो मेरे पास अभी टाइम को हम जल्दी से वीडियो को खत्म करने के लिए चीजें कर रहे हैं। बट आप जब कोई कैंपेन बनाओगे तो आपको 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे लग जाएंगे कैंपेन को अच्छी तरीके से सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने चीजें डाल दी, अब इसी चीज को उठा के मैं हेडलाइन में डाल दूंगा। अब हेडलाइन में मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डालूंगा, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे बोल रहा है ब्राइट शॉर्ट हेडलाइन, अब क्या दिखाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट अस फॉर डिजिटल मार्केटिंग वर्क, इतना मैंने डाल दिया तो ये यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे गलत है और छोड़ो इसको, यहाँ पे डाल दिया और यहाँ पे इतनी चीजें दिख जाएगी। तो यहाँ पे आप मिनिमम चीजें डालो, 1 लाइन या 2 लाइन के डालो, से ज्यादा मत डालो क्योंकि फिर ज्यादा दिखती भी नहीं है, जिस अगर इससे ज्यादा जाएगी तो वो फिर डॉट 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 करके आएगा, पूरी चीजें नहीं दिखेगी। तो फेसबुक आपको ऑलरेडी बोल रहा है कि यहाँ पे शॉर्ट हेडलाइन डालो। ठीक है, और यहाँ पे भी आप जो है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो, जो आपने प्राइमरी टेक्स्ट को डाला है खूब सारा प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे डाला हुआ है उसको आप यहाँ पे भी डाल सकते हो। तो इससे कोई मतलब अगर कुछ चीजें कभी क्या होता है कि प्राइमरी टेक्स्ट कहीं दिखता है तो कहीं पर डिस्क्रिप्शन दिखता है, कहीं पर दोनों दिखते हैं, दोनों में से एक ही दिखता है, ऐसा नहीं कि दोनों दिखते हैं, मतलब कभी फेसबुक इसको दिखाता है कभी इसको दिखाता है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर मैटर करता है कि कहाँ पे डिस्क्रिप्शन चलता है, कहाँ पे कैप्शन चलता है और क्या दिखाना है, वो फेसबुक ऑटोमेटिक चीजों को समझ लेता है, उसके हिसाब से काम करता है। अब यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा है कॉल टू एक्शन। अभी कॉल टू एक्शन के अंदर क्या है, तो यहाँ पे बटन्स, तो क्या बटन्स आपको यहाँ पे दिखाना है, जैसे साइन अप का है, गेट ऑफर क्लिक करूंगा तो गेट ऑफर आ जाएगा, फिर ये ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसका भी कहीं ना कहीं मैटर करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे लीड ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे बुक नाउ का डाल दूंगा, तो बुक नाउ या डाउनलोड का ऑप्शन तो डिफरेंट हो जाएगा ना लीड लेने के हिसाब से, तो मैं तो बोलूंगा या तो लर्न कर लो भाई, क्लिक करके देख लो क्या फीचर मिलेगा आपको, या फिर साइन अप कर लो इंक्वायरी। सबको समझ में आता है कि साइन अप का मतलब क्या होता है कि जब कोई नया यूजर होता है तो उसे अपनी डिटेल देनी होती है साइन अप करने के लिए। सब्सक्राइब का मतलब पता है कि मैं उसको फॉलो करना या कुछ करना, एंड बुक ना हो या इसको अप्लाई ना हो या डाउनलोड कर, तो पता है कि भाई कोई चीज़ मुझे डाउनलोड करनी है तो वो मेरे सामने यहाँ पे ऑप्शन है। तो जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी हुई है, जैसे मेरे को लीड लेना है तो मैं साइन अप पे जा सकता हूँ या लीड लर्न मोड पे जा सकता हूँ, है ना, ये मेरे लिए, या फिर गेट ऑफर पे डाल सकता हूँ, या फिर डाउनलोड या बुक ना हो तो यहाँ पे बेकार ऑप्शन रहेगा। तो ये गेट ऑफर मेरे लिए ठीक है क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कॉन्टैक्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग, तो इसने देखा और यहाँ पे बोल दिया कि चलो भाई ऑफर क्या है वो बताओ, तो इसने इसके ऊपर क्लिक करके अब उसके ऊपर वो क्लिक कर देगा तो उसके सामने क्या ऑप्शंस आते हैं। अब हम अपनी कोई वेबसाइट को यूज़ कर नहीं रहे हैं कि हमारी वेबसाइट पर वो विजिट करेगा, फिर वहाँ पर देखेगा, फिर वो इंक्वायरी करेगा, तो इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे फेसबुक का तो फीचर होता है जिसे हम ऑटोमेटिक कैप्चर बोलते हैं, लीड कैप्चर, तो उसको ही हम यूज़ करेंगे। फॉर्म इंस्टेंट फॉर्म जो हम लोग ऐड बना रहे थे, हमने सबसे पहले इंस्टेंट फॉर्म के बारे में समझा था, तो हम इंस्टेंट फॉर्म को ही हम लोग बनाएंगे। मतलब इंस्टेंट फॉर्म का मतलब फेसबुक के ऊपर ही इंस्टेंट फॉर्म ऑटोमेटिक आ जाता है लोगों के सामने अगर वो कोई गेट ऑफर पे क्लिक करता है। तो हम क्रिएट फॉर्म पे क्लिक करके एक नया बना सकते हैं, और या फिर हमारे पास कोई पुराना है तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। पुराना तो नहीं रहेगा, ये तो मैंने पहले बनाया हुआ है इसलिए मैं दिखा रहा है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके सामने क्रिएट का ऑप्शन आएगा, तो चलो मैं क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्रिएट नेम का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा कि भाई मैंने DMHC के लिए इतने तारीख को ऐड चलाया था और ये फीचर है, तो ये फॉर्म पर्टिकुलर दैट कैंपेन के लिए है। तो मैं इस कैंपेन के अंदर मैंने क्या नाम रखा था, मैंने आज की डेट रखी थी और मैंने यहाँ पे बोला था डिजिटल मार्केटिंग लीड्स। मतलब जरूरी नहीं है कि आप इसको कुछ यहाँ पे डाल सकते हो, आप यहाँ पे जो भी आपको रखना है
क्योंकि अभी आपने देखा कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक टेस्टिंग करके भी फॉर्म बना था, इसके पीछे हमने एक नया बना रहे, तो हम नया बना रहे हैं उसका क्या नाम रख रहे हैं वो आपको पहले से पता रहेगा, तो आपको समझ में आ जाएगी कि हाँ इसके अंदर लीड्स मेरी आ रही है या नहीं आ रही है। अब फॉर्म टाइप का ऑप्शन क्या है, मोर वॉल्यूम हायर कंटेंट एंड रीच क्रिएटिव। तो मोर वॉल्यूम का मतलब है ज्यादा लीड्स आएगी, हायर इंटेंट का मतलब है कि लीड्स अगर कोई सबमिट डिटेल करता है तो उसके बाद वो पहले वेरीफाई करेगा देन उसके बाद सबमिट करेगा, तो हायर इंटेंट के अंदर लीड्स थोड़ी सी कम हो जाते हैं। अब रीच क्रिएटिव का मतलब क्या होता है कि जब भी डिटेल डाल देगा तो वो पहले चीजों को वेरीफाई करेगा सारी चीजों को, और आपके क्रिएटिव को उसको दिखाएगा कि भाई देखो आप किस चीज के लिए इंक्वायरी कर रहे हो, अगर आप सही हो तो इंक्वायरी उसके ऊपर क्लिक करो, अदरवाइज उसको बैक जा सकते हो, कट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं मोर वॉल्यूम का यूज करता हूँ, मोस्टली हमें ज्यादा रेट चाहिए होती है तो हम इसका यूज कर देते हैं, अदरवाइज सेकंड में कभी कभी हायर इंटेंट का करता हूँ जब क्लाइंट कहते हैं कि आपकी लीड्स अच्छी नहीं आ जाए, तो मैं दोनों में से किसी एक ऑप्शन का यूज करता हूँ, इसका नहीं करता। इंट्रो के अंदर यहाँ पे भी आप जो आपने अपने एड कॉपी के अंदर हेडलाइन दिया वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, मैं इसको रिमूव ही करता हूँ हमेशा, तो यहाँ पे अभी आपके सामने ऑप्शन आ रहा था वो अब हटेगा। अब यहाँ पे देखो आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको मिलता है यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चंस में मिलता है यहाँ पे मैं मैसेज डाल देता हूँ कि भाई कॉन्टैक्ट अस फॉर सबमिट योर डिटेल्स टू गेट कॉल बैक बाय आवर टीम, इस तरीके से मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ कुछ भी, तो मैं यहाँ पे टाइम ओवर, तो जैसे ही आपने रिमूव ग्रीटिंग का ऑप्शन रिमूव किया हटाया वैसे ही आपके सामने नीचे इस तरीके से कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाता है, इसको यहाँ से ऑफ करके इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर आप क्या क्या पूछना चाहते हो यहाँ पे डाल सकते हो मैसेज, थोड़ा सा मैसेज डाल सकते हो कि लाइक सबमिट योर डिटेल्स टू गेट कॉल बैक बाय आवर टीम, तो इस तरीके से कर सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे एक डमी कुछ डाल देता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें इनेबल, मतलब ये चीज़ें नहीं डालोगे तो आपका ये फॉर्म क्रिएट नहीं होगा, तो मैंने ये जस्ट डेमो कंटेंट डाल दिया। अब यहाँ पे ईमेल और फोन नेम ऑटोमेटिक आता है, आप इसके ऊपर क्लिक करके और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हो तो वो क्लिक करोगे और यहाँ पर वो ऐड होती चली जाएगी। तो जितना यहाँ पे क्या होता है कि आपको कम से कम रखना है ताकि अगर लीड्स ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें रखोगे तो फिर बंदा भी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इस फील्ड से हूँ या नहीं हूँ, अगर मुझे देना इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो फेसबुक रिकमेंड करता है कि आप इसको कम से कम ही रखो, है ना। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का ऑप्शन है, प्राइवेसी पॉलिसी पे जाने से पहले क्वेश्चंस के अंदर एक बार और चलते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी फीचर्स है, जैसे अगर आप चाहते हो कि खुद का कुछ कस्टम बना लिया जाए, हम उससे कुछ डिटेल मैनुअली पूछ लें, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐड क्वेश्चंस पे क्लिक करके। आपके सामने और भी फीचर्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, जब आप इसको एक एक करके चेक करते रहोगे तो आपके सामने चीजें दिखती रहेगी। जैसे शॉर्ट आंसर पे मैं ऐसा पूछ सकता हूँ कि व्हाट इज योर एज, तो यहाँ पे वो अपनी एज बता देगा तो वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के अंदर मैं ऐसे पूछूंगा कि मतलब आपको पहले से कितना एक्सपीरियंस है, तो मैं यहाँ पे 18 साल डाल दूंगा या 20 साल डाल दूंगा, तो वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा, तो दोनों में से कोई एक सेक्शन को वो क्लिक करके यूज कर सकता है। ठीक है, तो मैंने इसको भी हटा दिया। अब प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिंक डालना पड़ता है, अगर आपके पास वेबसाइट है उसके अंदर प्राइवेसी पॉलिसी है तो उसका लिंक डाल सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे अपने फेसबुक पेज का लिंक कॉपी करके डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको वेबसाइट का लिंक डालना है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, तो वहाँ पे भी आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करके आपको दे देता है, और उस लिंक को भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके सामने यहाँ पे मिल जाती है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो भी आपके लिए फेसबुक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ऐड चलाने के लिए। अब ये हमारा फीचर हो गया। अब हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बनता है मैसेज, तो जब कोई लीड सबमिट कर देता है तो लास्ट में एक ऑप्शन आता है कि थैंक यू फॉर योर लीड सबमिशन, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट, और ये आप टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो। कॉल बिजनेस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे जैसे ऐड लिंक का ऑप्शन आ रहा है, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप चाहते हो कि कोई भी अगर इंक्वायरी कर देता है तो वो आपको कॉल कर दे, है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये चीजें चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे आपको डाल सकते हो यू कैन कॉल, जो भी आप यहाँ लिखना चाहो अच्छा मैसेज यहाँ पे डाल सकते हो। आप अपने कॉम्पिटिटर की एड्स को जाकर चेकआउट कर सकते हो, या फिर आपने किसी एड को देखा हो तो वो आप जाके यहाँ से देख सकते हो, अदरवाइज आप खुद भी डिस्क्रिप्शन क्या डालनी है कि आपका कोई यूजर अगर इंक्वायरी सबमिट करता है तो उसको क्या मैसेज जाना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, जैसे कि थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग आवर टीम, विल शॉर्टली कॉल बैक टू यू एंड आस्क फॉर एनी मेनी डिटेल्स अबाउट व्हाटएवर, जिसके लिए भी आपने इंक्वायरी करी उसके। तो यहाँ पे कॉल बिजनेस के अंदर इंडिया सेलेक्ट करके आप अपना नंबर डाल सकते हो, कॉल नाउ पे क्लिक करके आप यहाँ पे कॉल नाउ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ कॉल नाउ आ गया, यहाँ पे अपना नंबर डाल दिया इंडिया सेलेक्ट। सो ये पूरा प्रोसेस होता है कैंपेन बनाने के लिए, यहाँ पे इसको करके और इसको क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो लिंक करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे लिंक डालना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ से इसी को उठा के डाल देता हूँ, ये लिंक हो गया। अब ये हमारी चीज़ें डन हो गई, अगर कुछ होगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये लिंक कह रहा है कि भाई वेबसाइट फेसबुक का डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अपने फेसबुक प्रोफाइल का यूज़ कर लेंगे। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, अब ये यहाँ पे वैलिड हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं अपने प्रोफाइल पे वापस चला जाऊँ, अदरवाइज वो इशू पड़ेगा कुछ। तो मैंने प्रोफाइल पे वापस आ गया और अब मैं क्रिएट करूँगा। सो ये देखो क्रिएट हो गया ऑटोमेटिक। ठीक है,
ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया जब मैंने उसको क्रिएट में क्लिक कर दिया। तो अभी हमारे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए लीड्स। ठीक है, इस लीड्स को कैसे आपने देखना है, कैसे लीड डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी पहले हम ऐड को पब्लिश करते हैं। तो जब हम लोग ऐड को पब्लिश करेंगे तो ये मेरे सामने तो ऑटोमेटिक पब्लिश का ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेटअप कर रखा है। जब आप लोग ऐड पब्लिश करने जाओगे तो आपके सामने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे पहले पूछेगा कि आपका टाइमिंग क्या है और कौन सी कंट्री से हो आप, वो चीज़ें डालोगे। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो आपको वो फ़ोन नंबर भी मांगेगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आपको फ़ोन नंबर भी डालोगे। और फिर सकते ऑथेंटिकेशन भी करने के लिए बोलेगा तो वो भी आप लोग करोगे। और उसके बाद आपसे बोलेगा कि आप अपनी डिटेल्स डालिए कि आपका लोकेशन क्या है, आपकी कंपनी का नाम क्या है, और आपका जो एरिया है जहाँ पे आप जहाँ से आप बिजनेस कर रहे हो उसकी डिटेल डालो, उसका लोकेशन इंडिया डालो, एड्रेस डालो, तो वो आपको डालना पड़ेगा। देन उसके बाद ही आपका एक कैंपेन सक्सेसफुली बन पाता है। तो ये हमारा कैंपेन पब्लिश हो गया। ठीक है, हम इसको कट करते हैं और ये हमारा कैंपेन यहाँ पे देखो, ये DM लीड्स के नाम से हमने जो बनाया था वो हमारे सामने रेडी हो गया। इसको आप लोग एडिट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। अब आपको फाइनली ये जानना है कि आपको इस लीड्स को कैसे, यहाँ पे जो आप कैंपेन चल रही है वो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऑन है। तो यहाँ पे तो अभी अकाउंट एरर आ रहा है। अकाउंट एरर इसलिए आता है क्योंकि आपके अकाउंट में फंड नहीं है, तो हमारे इस अकाउंट में फंड नहीं है, तो यहाँ पे अकाउंट एरर आ रहा है। जब आपको कैंपेन चलने लग जाएगा तो यहाँ पे रीजन इंप्रेशन काउंट होने लग जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ मैक्सिमम पे क्लिक करके। तो यहाँ पे देखो पहले ये चल रहा था, तो इसके अंदर रीजन इंप्रेशन लीड्स कितने हैं ये वो यहाँ पे दिखने लग जाएगा, ये भी लीड्स वाली एड्स। तो जब आपका ये कैंपेन चलने लग जाएगा तो इसके अंदर आप लोग ये देख सकते हो कितने लीड्स आए और डेट सेलेक्ट कर सकते हो कि कल कितने आए थे, आज कितने आए। ठीक है, और अब आपको ये लीड को डाउनलोड कैसे करना है। तो सपोज कि ये कैंपेन हमने आज बनाया है, पहले तो मैं इसको ऑफ करता हूँ क्योंकि मेरे को इसको नहीं चलाना है, तो मैंने इसको बंद कर दिया। अब जैसे सपोज कि ये वाला कैंपेन हमने कल बनाया था या परसों बनाया था और उसके हमारे पास 105 लीड आ सकती है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके इसको हटा के यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे जाऊँगा थर्ड ऑप्शन पे। तो अभी जैसे कि मैंने एक कैंपेन के अंदर मैंने आपको बताया था कि आप इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, इसके अंदर तो हमने एक ही बनाया, आप इसके अंदर मल्टीपल बना सकते हो। मैंने इसके अंदर दो बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो ऐड शुरू बनाया था, इसमें से एक चलाया एक नहीं चलाया। ओके, तो एक जो चलाया अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अब इस ऐड सेट के अंदर मैंने दो ऐड कॉपी बना रखी है, सॉरी तीन ऐड कॉपी बना रखी है, जिसमें से एक ही चल रही है और दो बन रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इतनी लीड्स आई थी और इसके अंदर इतनी लीड्स आई है। अब मेरे को जिसकी भी डाउनलोड करनी है, इसके ऊपर ब्लू कलर का लिंक दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप लीड्स को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से डेट वगैरह कर सकते हो, कब तक की लीड चाहिए, वो सारे आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप डेट नहीं सिलेक्ट कर सकते हो तो जब लीड डाउनलोड करने जाते हो, सपोज कि आज आपने लीड डाउनलोड कर ली और कल फिर आपकी ऐड चल रही है या फिर से ऐड चल रही है और सेम ही कैंपेन के अंदर चल रही है, सेम ही अकाउंट के अंदर और सेम ही आप फेसबुक फॉर्म का यूज कर रहे हो, तो जब आप दोबारा कभी ऐड डाउनलोड करने जाओगे तो आज की लीड से पहले जो लीड थी वो आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। आज के बाद जो लीड्स आप डाउनलोड कर रहे हो, दो दिन बाद ऐड चला रहे हो, उसकी लीड्स आप डाउनलोड कर पाओगे। तो अगर आपको सारी लीड्स एक साथ में डाउनलोड करनी है तो वो फिर आपको डेट वाइज जाना पड़ता है। अदरवाइज फेसबुक का अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये पता चल जाता है कि आपका फ्रेश लीड्स कौन सी है, मतलब नई लीड्स कौन सी आई है, वो आपके सामने फेसबुक का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो पता चल जाता है कि ये आज से हमने 22 तारीख को इतनी लीड डाउनलोड करी थी और हमारा जो 24 तारीख तक दोबारा से हमने 22 से 24 तक ऐड चलाया, तो उसकी लीड फ्रेश लीड्स ये है। और अगर आप चाहते हो 22 24 सारी एक साथ में डाउनलोड करना, तो फिर वो आप डेट सेलेक्ट करके ही यूज कर सकते हो। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप डेट वगैरह जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो करके लीड डाउनलोड कर सकते हो। तो ये एक मेथड था लीड डाउनलोड करने का। एक मेथड होता है फेसबुक का मेटा बिजनेस सूट का यूज कर सकते हो आप लोग ऐड लीड डाउनलोड करने के लिए। तो इसके ऊपर क्लिक करके या फिर इसके ऊपर क्लिक करके मैंने आपको दिखाया था ना मेटा बिजनेस सूट ये रहा। सो इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप जो है मेटा बिजनेस सूट का यूज कर पाओगे लीड डाउनलोड करने के लिए। और मेरे प्लेलिस्ट को अगर आप लोगों ने देखा होगा पहले से, अगर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है फेसबुक एड्स के बारे में काफी सारी। तो यहाँ पे देखो हमारा फेसबुक पेज ओपन हो गया है। अभी हम जो दूसरा यहाँ पे हमने कोई दूसरा पुराना ऐड यूज किया है जिसके अंदर हमने ऐड चलाया था, तो अभी हमारे सामने क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो हमने कोई दूसरा मतलब पुराना ऐड जो हमारा कैंपेन था वो हमने यूज किया है लीड डाउनलोड करने के लिए। तो मेरे इस कैंपेन के अंदर मैं जाऊंगा तो मेटा बिजनेस सूट पे आने के बाद यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आपको ढूंढना है इंस्टेंट फॉर्म्स। ठीक है, सो ये रहा इंस्टेंट फॉर्म्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप लोग और आपके सामने जो आपने दो फॉर्म बनाए थे ना अभी, एक टेस्टिंग के नाम से एक 20 DMA लीड्स जो आप फॉर्म बना रहे थे लीड्स वाला, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन मिल रहा है। दोनों में से अभी किसी में भी एड्स लीड्स नहीं दिख रही क्योंकि हमने कैंपेन चलाया ही नहीं। यहाँ पे क्लिक करके आप जो दूसरा था अकाउंट जिसके अंदर ये लीड्स आई हुई है वो दूसरा अकाउंट और दूसरा पेज का यूज हुआ है, ये ध्यान रखना। आपको ऐड चलाते वक्त सारी चीज़ों का सही से ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पेज यूज कर रहे हो, कहाँ पे कौन सा फॉर्म बना रहे हो, वो सब चीज़ आपको पहले से पता रहनी चाहिए, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगी आपको। आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब चलाते रहोगे कैंपेन तो आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएगी। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई हमने किसी और ऐड के अंदर, हमारे पास दो ऐड है
और हमने से इसके अंदर ऐड चलाया, तो इसके अंदर हमने कौन सा पेज यूज किया था, इसके अंदर हमने दूसरा पेज यूज किया। अब दूसरा पेज यूज किया है तो अब हमें यहाँ से हमने दूसरा पेज भी सेलेक्ट कर लिया। अब इसके अंदर हमारे पास कितनी लीड्स आई है, तो ऑल टूल पे क्लिक करके हम यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म ढूंढेंगे दोबारा से, इसके ऊपर क्लिक कर लिया हमने, और यहाँ से हम लोग जो है लीड्स को दोबारा से चेकआउट कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने एक फॉर्म बनाया था और उसके अंदर 105 लीड्स आई है, और यहाँ पे हमने दो एड ग्रुप भी बनाया, दो एड से बनाया, तो मैंने सबके अंदर एक फॉर्म ही यूज किया है। ये जो 33 लीड्स आई है वो भी इसी में है, और ये जो 72 लीड आई है वो भी, इसके लिए भी मैंने एक ही फॉर्म यूज किया है, मैंने सेपरेट फॉर्म नहीं बनाया इसके लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि जब आप दूसरा वो टेस्टिंग करते हो तो आप उसके लिए अलग फॉर्म बना सकते हो, बट मैंने सेम ही यूज किया है। तो मैंने इसके अंदर मेरे पास 105 लीड्स है, इसके ऊपर भी क्लिक करके मैं सेम जो मेरा प्रोसेस था लीड डाउनलोड करने का, वो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है। तो जैसा भी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपको पर्टिकुलर डे के बाद से कोई लीड डाउनलोड करते हो तो वो फ्रेश लीड्स आपको दिखाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यू लीड्स कोई भी नहीं है क्योंकि हम डाउनलोड कर चुके हैं 105 लीड्स। अगर हमको सारी लीड डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड बाय डेट रेंज पे क्लिक करके हम मैक्सिमम या कभी भी डेट सेलेक्ट करके उस पर्टिकुलर डे की लीड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी जो आपने लोगों ने वीडियो देखी उससे आप ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप लोग फेसबुक पे एड्स बना सकते हो। तो सिंपल से हमने 2-3 टॉपिक्स आज के इस वीडियो के अंदर कवर करे कि आपको फेसबुक पे एड्स क्यों चलाना चाहिए, दूसरा कि आपको फेसबुक पे एड अकाउंट कैसे बनाना है, तीसरा एड्स कैसे बनाना है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे बनाना है, चौथा कि हमें फेसबुक पोस्ट को बूस्ट नहीं करना है तो क्या करना है, इंस्टाग्राम पोस्ट को बूस्ट नहीं करना है तो क्या करना है। तो ये 3-4 टॉपिक्स आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए कवर किए। इसी तरह की और बेहतरीन वीडियोस हम अपने चैनल पर पब्लिश करते रहते हैं, तो इसी तरह की वीडियोस अगर आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। और हाँ, अगर आप लोग फेसबुक पे देख रहे हैं हमारी वीडियोस को तो पेज को फॉलो कर लीजिए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय श्री राम।